व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है सभी। आप देख रहे हैं जो फिटनेस, आप देख रहे होंगे मैंने बड़ा स्टॉल लगाया हुआ है वही प्रोटीन का, मेरे ये पीछे भी है, उससे पीछे भी हैं। तो वो तो मेरा कैफ़े है, जिम का कैफ़े है, तो वहाँ पे हम प्रोडक्ट रखते हैं अपने पर सर्विंग के हिसाब से देते हैं, अगर किसी को चाहिए हो, अगर वो कोई भूल गया घर में। लेकिन आज आपके साथ मैं पूरी कहानी शेयर करूँगा यार, वे प्रोटीन की क्या कहानी है, कैसे है कि हमें कैसे बताते हैं यार, हमें पता नहीं लगता कि जी गोल्ड स्टैंडर्ड ले लो, जनाब प्रोस्टा ले लो, बीपीआई आईएसओ एचडी ले लो, आईएसओ 100 ले लो, आईएसओ मसल टेक ले लो, फलां नेटोटेक ले लो, फलां 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 खोते का सेल ले लो। तो ये इनमें कहानी देखने में क्या है, प्राइस सिमिलर होते हैं कि हम लोग क्या करते हैं मोस्टली वे प्रोटीन में एक ही चीज़ को पकड़ के रख जाते हैं, यानी अगर हम नेटोटेक यूज़ करें तो नेटोटेक ही यूज़ करते रहना है, मर जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, दूसरी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, हम उनको हमें इंग्रेडिएंट नहीं पढ़ने आते, हमें न्यूट्रिशन फैक्टर नहीं पढ़ना था, ओ 50 ग्राम प्रोटीन वो ले लो चलो। तो ये भी देखना चाहिए कि यार कितना प्रोटीन है, कैसे है। तो आज की मैं वीडियो में बताऊंगा कि यार वे प्रोटीन की टाइप्स के कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और कैसे होती हैं, और हमने कोई भी अगर वे प्रोटीन बाय करने जाए तो हमें क्या देखना चाहिए और किस लोगों को, किन लोगों को कैसे, किस लेवल पर जाके कौन सा प्रोटीन यूज़ करना चाहिए। तो मैं ये भी बताऊंगा कि मैं इनमें से कौन कौन सा यूज़ करता था, क्या कैसे करता हूँ, और मैं आपको कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन क्लिक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको, पुरानी वीडियो अभी वाली कोई भी मिल रही है, आगे जो आनी है फ्यूचर में 10 साल 12 साल बाद भी, वो भी कैसी लग रही है वो भी मुझे बताइएगा, और लाइक करें और कमेंट करके लाजमी बताएं। सबसे पहले बात कि वे प्रोटीन हम लेते क्यों हैं। अच्छा, वे प्रोटीन हम इसलिए लेते हैं, एक तो ये सबसे बड़ी बात कन्वीनियंस है, वे प्रोटीन की बात कर रहा हूँ कि कन्वीनियंस है। आपने एक स्कूप डाला, पानी मिक्स किया, हो गया ही, दूध में डाला, आपने स्मूदी में डाला, पी लिया, आपका प्रोटीन इनटेक जो आपकी रिकमेंडेड डोज है वो पूरी होगी। प्रोटीन का क्या मकसद है? प्रोटीन का मकसद है कि जैसे हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं, या आप वेट लॉस कर रहे हैं, फैट लॉस कर रहे हैं, या मसल बिल्ड कर रहे हैं, हम लोग अपनी बॉडी को टीयर करते हैं, हम जाके एक्सरसाइज जिम में जाके एक्सरसाइज करके, जैसे ही हमारे टिश्यू, जो हमारी बॉडी में टिश्यू होते हैं, हमारा मसल पूरा उसके अंदर टिश्यू होते हैं। अगर आप बड़ा गोश्त या मीट मटन बीफ मटन या चिकन ले, उसमें रेशे होते हैं, वही रेशे हम लोग जिम में आके तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद जब हम उनको, हम फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन चाहिए होते हैं, अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं, अमाइनो एसिड क्या करते हैं, आपकी बॉडी में जाके रिकवरी करते हैं, और एक टिश्यू को तोड़ जो तोड़ा होता है उसको 3 की जगह कन्वर्ट करते हैं, यानी उसको बड़ा बनाते हैं, उसको रिपेयर भी करते हैं, और उसकी जगह नए सेल ऐड भी करते हैं, नए मसल फाइबर टिश्यू भी ऐड होते हैं। वो कौन करता है? प्रोटीन। प्रोटीन पाउडर जो है वो टोटली काम नहीं करते, इसके साथ आपकी डाइट भी लाजमी है। अगर आप टोटली इन पर डिपेंड कर रहे हैं वो कभी फ़ायदा नहीं होगा, आप वेस्ट ऑफ मनी है आपके और कुछ भी नहीं है। कोशिश करें अपना टोटली जो प्रोटीन है, अपनी प्रोटीन टेक है, फैट कार्बोहाइड्रेट है, वो अपनी डाइट से पूरी करें। सप्लीमेंट्स आर ओनली 5%, ये सिर्फ पूरे 100% में ओनली 5% है आपके, इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं करते। ये सिर्फ ये फ़ायदा है कि आप जिम जा रहे हैं, जिम से आप अंडे तो नहीं लेके जाएंगे ना, वैसे भी कई लोगों को अंडे खाने की मुझे बड़ी वो होती है, कहना कि अंडे नहीं खाने, में अंडे बड़े पेड़े होते हैं, भूख बढ़ जाती है, मुझसे भी नहीं खाए जाते। आप 2-3-4 घंटे के अंडे उबाल के रखें, बाद में आके खाएं, आपसे नहीं खाए जाएंगे। तो जब तक मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, मैं भी लेता था, बिल्कुल अंडे खाता था, 5-5-10-10 अंडे खाता था, लेकिन अब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, टाइम नहीं होता, कन्वीनियंट है, इसमें कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा है, पर आपकी फ़ायदा हो जाता है, पर टाइम बचता है, तो मैं वे प्रोटीन ले लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड से, कि ये सबसे हॉट प्रोडक्ट है, बड़ा बिकता है जना, मार्केट में इसकी बड़ी रेटिंग है 9.2, bodybuilding.com पर जाकर देखेंगे, बड़े प्रोडक्ट के। अच्छा, ये ऑन है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड वे, 100% वे प्रोटीन, 100% वे, ठीक है, वे आइसोलेट, ठीक है, 7 प्राइमरी सोर्स। अगर ये किसी का नाम लिखा हुआ है, अगर हम इसके इंग्रेडिएंट पढ़ें, प्रोटीन ब्लेंड, वे प्रोटीन आइसोलेट, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेटेड, वे पेप्टाइड, यानी कि जब भी मैं बात यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि प्रोटीन बनता कैसे है, प्रोटीन बनता है दूध से, जैसे दूध में से चीज़ निकालते हैं जो उसका पानी बच जाता है, दही का जो पानी होता है किस्म का, जो हम आम सिंपल पाकिस्तानियों को समझाने के लिए, वे कर्ट जो होता है उसको लेके जाते हैं, और 120 लीटर का 1 पाउंड वे प्रोटीन बनता है। वे प्रोटीन डायरेक्ट नहीं निकलता, पहले निकलता है वे पेप्टाइड, उसके बाद उसको रिफाइन करते हैं तो हमारा निकलता है कॉन्सेंट्रेट, उसको जब हम दोबारा रिफाइन करते हैं उसमें काफ फैट्स और कार्बोहाइड्रेट सोडियम वगैरह कम करने के लिए, तो फिर उसमें दोबारा शुगर कम करने के लिए आपका निकलता है आइसोलेट। आइसोलेट में भी थोड़ी बहुत प्रोटीन शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं और आपका फैट होता है, उसको दोबारा रिफाइन करने के, उसको कम करने के चक्करों में इसको दोबारा रिफाइन करते हैं आइसोलेट को, उसके बाद निकलती है हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज में क्या होता है, बिल्कुल कम से कम 0.5 ग्राम में आपके कार्बोहाइड्रेट, शुगर, आपके फैट्स होते हैं, और प्रोटीन जो प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है, ताकि आपकी बॉडी में रिकवरी करे, जाके एकदम इंस्टेंट रिकवरी करे, मसल एकदम अच्छे तरीके से इसको टारगेट बॉडी को जाके अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होकर बॉडी को इंस्टेंट रिकवरी दे, और इंस्टेंट उसकी रिकवरी स्टार्ट कर दे, उसको बिल्ड करना शुरू कर दे।
तो इस प्रोटीन में क्या है, आप जब भी कोई चीज़ बाय करें पहली चीज़ तो आप इंग्रेडिएंट चेक करें कि यार ये कड़ा प्रोटीन हम दे रहे हैं। उसमें एक है जी प्रोटीन ब्लेंड, ब्लेंड यानी कि दो तीन चीज़ों में मिक्स करके उन्होंने एक प्रोटीन पाउडर बनाया हुआ है। इसमें क्या है जी प्रोटीन आइसोलेट्स, प्रोटीन वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, यानी जो सबसे पहले दो फॉर्म है उनमें से इन्होंने कुछ लिया और बीच में कोको भी ऐड किया, कोको से भी लिया हुआ, सोया से भी लिया हुआ है, इन चीज़ों से लिया हुआ है। स्कूप देखें कि स्कूप कितने ग्राम का है, सर्विंग देखें कितनी है सर्विंग, आपको टोटल प्राइस को सर्विंग पर डिवाइड करें आपको पूरी प्राइस आ जाएगी, एक स्कूप में इतने का पड़ेगा। उसके बाद आप एक स्कूप जितनी प्रोटीन है इसमें 424 ग्राम प्रोटीन है, वे प्रोटीन है, 24 को डिवाइड करेंगे 30.4 पे तो आपको बता देगा ये कितने परसेंट वे प्रोटीन इसमें आ रहा है, मैं आपको बता दूंगा। ये तो हो गया साइड पे, ठीक है। अब बात आती है दूसरी, ये भी सेम उसी कैटेगरी का वे प्रोटीन आ गया, प्रोस्टार जी वे प्रोटीन 100% वे प्रोटीन, प्लेटिनम सीरीज जो भी अल्टीमेट न्यूट्रिशन की कंपनी का। अब इसमें आते हैं देखें, 30 ग्राम का स्कूप 24-25 ग्राम प्रोटीन, 25 डिवाइडेड बाई 30, ठीक है, आपको रिजल्ट आ जाएगा कितने परसेंट बायोअवेलेबिलिटी है। इंग्रेडिएंट प्रोटीन ब्लेंड, वे प्रोटीन एसोलेट, वे प्रोटीन कंसेंट्रेट एंड वे प्रोटीन पेप्टाइड, ठीक है, कोको सोडियम सोडियम आगे लिखा हुआ है, कंटेन मिल्क एंड सोया, सोया 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 का जो सोया प्रोटीन था वो भी इसमें वीगन प्रोटीन भी थोड़ा सा ऐड है, ये आपको पता चल जाएगा कितने का, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसमें 80 सर्विंग है, 80 को डिवाइड कर इसकी टोटल प्राइस पे, ये हो गया बायर। अब आते हैं जनाब इस पे नैटोटेक पे। अच्छा नैटोटेक बहुत महंगा पड़ता है टू बी ऑनेस्ट। और नैटोटेक में क्या है, ये 44 ग्राम का स्कूप है इसका, एक 41 सर्विंग है इसमें और इसमें प्रोटीन है 30 ग्राम, 30 को डिवाइड करें 41 पे आपको पता लग जाएगा भाई कितने बायोबिलिटी है। अब इसके इंग्रेडिएंट देखें, अब इन्होंने इंग्रेडिएंट का लिखे हुए इसमें एक फ़ायदा है देखें, वे इसके और इंग्रेडिएंट आइसोलेट एंड पेप्टाइड इसमें लिखा हुआ इन्होंने, ये वे प्रोटीन आइसोलेट, वे प्रोटीन पेप्टाइड, वे प्रोटीन आइसोलेट 90। इसमें एक चीज़ अच्छी है कि ये और बीपीएस स्पोर्ट दोनों एक जगह पे फॉल करते हैं, क्यों, इनमें क्या है कि टोटल आइसोलेट है यानी इतनी कॉन्सेंट्रेट नहीं है कुछ नहीं है, प्राइस थोड़े से, लेकिन 95% ये क्या है आपका वे प्रोटीन आइसोलेट है। और सेकेंडली इसमें जो आप देखें तो इसमें 44 ग्राम का स्कूप है और 30 ग्राम प्रोटीन है, इनमें प्रोटीन ज़्यादा है कंपेयर टू अदर्स के, लेकिन स्कूप भी साइज भी इतना ही बड़ा हो गया। तो ये हो गया साइड पर। अब बातें बीपीएस स्पोर्ट्स पे कि बीपीएस स्पोर्ट्स के कौन सा है, इसमें भी वही चीज़ है देखें, इसमें नीचे लिखा वे प्रोटीन आइसोलेट कोको प्रोसेस विद अल्कलाइन एंड नेचुरल आर्टिफिशियल फ्लेवर, यानी इसमें टोटल जो है टोटल आपका आइसोलेट है, ठीक है। आइसोलेट क्या है, 32 ग्राम का एक स्कूप है, 69 सर्विंग है, 25 ग्राम प्रोटीन है, 25 को डिवाइड करते हैं 30 पे, और ये मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है। मैंने पहले बहुत सारे यूज़ किए हैं, आइसोलेट यूज़ किए हैं, कॉन्सेंट्रेट और ब्लेंड यूज़ किए हैं, अब उसके बाद मैं आइसोलेट पर जंप कर गया हूँ, तो आइसोलेट बेहतर है कि फास्ट रिकवरी है, एकदम अब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में जाके, आपके मसल को रिकवर करते हैं, अमीनो एसिड अच्छी प्रोफाइल होती है इनमें, BCCA की अच्छी प्रोफाइल होती है, EEA की अच्छी प्रोफाइल होती है, तो ये अच्छे हैं। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट द किंग, किंग इसलिए ये पाई जी ये सबसे अच्छा प्रोटीन है, हाइड्रोलाइज है 47.5% इसमें हाइड्रोलाइज है और कुछ वो है आपका आइसोलेट। अगर इसके इंग्रेडिएंट पढ़े जाएँ ये तो बेल्जियम में लिखे हुए हैं, मैं आपको बता दूंगा, मैं इसकी देखा है मैंने, इसमें जो है अप्रॉक्सीमेटली 45% का हाइड्रोलाइज है और 42% आपके आइसोलेट है, यानी कि दो अच्छे प्रोटीन है, एक बहुत पेयर्स फॉर्म है, एक उससे एक दर्जा नीचे एक पॉइंट नीचे। 30 ग्राम का स्कूप है, ठीक है, 25 ग्राम प्रोटीन है, 25 को डिवाइड करना है 30 पे, आपको बायोअवेलेबिलिटी आ जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो कि भाई कौन सा प्रोटीन लें कौन सा ना लें, ये आप जाके देखें नेट पे सर्च करें कि यार ये चीज़ें हैं, इनमें आप देखें, इनमें आप BCCA की आप देख सकते हैं। और एक और चीज़ लोग कहते हैं जी वो 6 ग्राम BCCA है, 10 ग्राम BCCA है, 20 ग्राम BCCA है, 100 ग्राम BCCA है, कोई भी वे प्रोटीन लेंगे भाई इसमें BCCA लाजमी होगा, ठीक है, ब्रांच चेन अमीनो एसिड लाजमी होंगे, क्योंकि अमीनो एसिड ही आपके वे प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन जाके कन्वर्ट होता है हमारी बॉडी को ब्रेक डाउन अमीनो एसिड की फॉर्म में करती है। तो ये सब बकवास है कि जी नहीं नहीं ये इन्ने ग्राम लेना है इन्ने ग्राम लेना है, कुछ ज़्यादा तो थोड़े ज़्यादा पैसे ज़्यादा हो गए तो ले लो तो BCCA ले लो। तो ये थी आज की वीडियो कि हर वे प्रोटीन में BCCA ई होता है, एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, ब्रांच चेन अमीनो एसिड होते हैं, लूसिन आइसोलेसिन और वेनिल, तो कोई भी वे प्रोटीन लें, रिकवरी अगर वे प्रोटीन नहीं ले सकते आप नहीं अफोर्ड कर सकते भाई अंडों पर जाओ, अंडे खाओ तो जान बनाओ, कोई टेंशन नहीं है, ये बस कन्वीनियंस है, टाइम की सेविंग है और कुछ भी नहीं है, बस अपना ख्याल रखें, आज बहुत अपना ख्याल रखें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाजमी लाइक करें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा भाई, बड़े चुड़े और तरक्की करे, और आप लोगों को साथ लेके चलूँगा इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, और अपने गिरदों वालों का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।